सोलन में शहरी कांग्रेस ने सद्भावना दिवस पर सामाजिक दायित्व को निभाते हुए सोलन की भीड़भाड़ वाले स्थानों को सैनिटाइज किया। शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद की अध्यक्षता में शहर को सैनिटाइज करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंकुश सूद ने बताया कि कोविड संकट के शुरुआती दौर पर जिला प्रशासन समय-समय पर शहर को सैनिटाइज करने का कार्य कर रहा था, लेकिन कुछ समय से सैनिटाइज करने की प्रक्रिया कुछ धीमी हो गई थी। शहरवासी भी बाजारों को सैनिटाइज करवाने की मांग कर रहे थे। उनकी ही मांगों को पूरा करने के लिए शहरी कांग्रेस ने इस कार्य को एक बार फिर से सैनिटाइज करने का बीड़ा उठाया। शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद ने बताया कि सद्भावना दिवस पर शहर को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शहर की बसों, ऑटो, पुलिस थाना, सब्जी मंडी और बाजारों को शहरी कांग्रेस द्वारा सैनिटाइज किया गया, ताकि उनके दिलों में कोरोना संक्रमण के खतरे को थोड़ा कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि आज देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का जन्म दिवस है। स्वर्गीय राजीव गांधी की प्राथमिकता देश की सेवा करना थी, इसके लिए उन्होंने अपना जीवन तक न्योछावर कर दिया। इसलिए उन्हीं के सिद्धांतों पर शहरी कांग्रेस चलने का प्रयास कर रही है और समाज की सेवा में जुटी हुई है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे अभूतपूर्व सबसे युवा प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का जन्मदिन है, जिसे पूरे भारतवर्ष में सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज सोलन शहरी कांग्रेस ने सोलन के सभी प्रमुख बाजारों को सैनिटाइज करने का कार्य किया है। साथ ही साथ सब्जी मंडी, पुलिस चौकी, पुलिस थाना व सभी बैंक व उनके एटीएमों को भी हमने सैनिटाइज करने का प्रयास किया है। इसका कारण है कि आजकल कोरोना जैसी महामारी हमारे पूरे देश में नहीं विश्व में फैली हुई है और हर इंसान इससे डरा हुआ है। तो आज शहरी कांग्रेस ने यह प्रयास किया कि लोगों के जो डर है इसको थोड़ा कम करने के लिए हमने ऑटो में जो लोग आ रहे जा रहे हैं इसलिए ऑटो को भी सैनिटाइज किया। ऑटो स्टैंड पे जाकर बस स्टैंड को, पुराने बस स्टैंड को भी हमने जो सैनिटाइज किया और भी कई जगह को किया। और हमें पूरा विश्वास है माँ शूलनी के आशीर्वाद से आज नहीं तो कल बहुत ही जल्द ना केवल सोलन, पूरा भारतवर्ष जो है वो जल्द ही कोरोना मुक्त होगा। और आप सबके सहयोग से आज हमने पूरे शहर को जो है वो सैनिटाइजेशन का कार्य किया है और अभी उसके बाद हमारा जो है वो फल वितरण का कार्यक्रम भी होगा।